तो भाई जी अभी काम कर रहे हैं अपन, और कभी रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, पर आज कर रहा हूँ मैं, बस क्योंकि बस करना था, मन था। जब इतना खुल ही चुके तो खुल चुके पूरे, अभी काम कर रहे अपन। इसका शिफ्ट का वाटर पंप डाल रहे हैं जी। हो गया काम कंप्लीट, अभी सेट वगैरह कर रहे हैं, सब चीज़ हो गया कंप्लीट। अब पानी डालना है, बस कूलेंट डाल चुका हूँ, और अब मेरे को जाना है गुरुद्वारा। ठीक है, तो पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट प्रोमो। और मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इससे पिछला ब्लॉग क्यों ऐसे एंड किया और क्या मैंने उसमें किया है, क्योंकि मेरे को आके काम करना था शॉप पे, और ब्लॉग भी ज़रूरी थे। तो कंप्लीट करता हूँ और सीधा मिलता हूँ मैं तुम्हें गुरुद्वारा। 3, 2, 1। हाँ जी भाई, तो गुरुद्वारा आया था, और गुरुद्वारा तो बंद है, ओपन हो गया, कह रहे 4 बजे खुलेगा। एक बार पूछ लेता हूँ, अगर ऑफिस खुला होगा तो ऑफिस में चले जाऊँगा दोबारा, वरना दोबारा कटेगा, वरना कल आना पड़ेगा। ऐसे ही चल रहा है लाइफ में, अभी देखता हूँ। खुला तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार तो यहीं से लेके गया था, ठीक थे, अच्छे थे, और एटलीस्ट साफ थे, समझो साफ है, तो ये है चक्कर। तो अपन आ गए थे गुरुद्वारे से लगभग 1 घंटे पहले, अभी अभी ब्लॉग लाइव किया मैंने 7 बजे का, और अभी टाइम हो रहा है 5:45। तो 7 बजे तुम लोग ब्लॉग देख चुके होगे, और तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने इतना छोटा ब्लॉग क्यों बनाया है। ठीक है, तो अपन अभी निकाल रहे अपनी पुरानी नीलिमा, पता नहीं मुझे स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, पर जितना ट्रस्ट बिल्ड है उस हिसाब से तो एक एक में स्टार्ट होगी, देखना तुम लोग। ये देखो, लगभग 20 दिन बाद स्टार्ट करी है, और हाल देखो एक किक में। हेलो हेलो जी, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है 26, और यहाँ पे कुछ झंडा फैला रहे हैं मेरी गली में, अभी पता नहीं कौन आएगा, पर लगा तो रखा है झंडा। और अभी ठंड हो रही है, ठंड क्यों इतनी ज्यादा हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ऊपर से क्लाउड भी देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस आवाज आ रही है कि कुछ जा रहा है और वो चले जा रहा है बस। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है, मतलब यही चल रहा है, अभी नीचे जाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, आ गए शायद, देखते हैं। वो खड़े है व्हाइट कपड़ों में, शायद कोई ना कोई तो है। हाँ जी भाई, तो कल काम वाम करके इतना थक गया था कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया था, मतलब एक गाड़ी तो हो गई थी, दूसरा भी कर रहा था मैं, काम कर रहा था कल ना, समझा करो। तभी मैंने वो छोटा सा ब्लॉग डाला जो तुम लोग देख चुके हो, और जब तुम ये वाला ब्लॉग देख रहे हो तब है 27। और ये तो एक तो गेट उधर हो जाना, एक तो रुकता ही नहीं है दरवाजा भाई। तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अगर तुम छुट्टी में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे घर पे छुट्टी है और कुछ भी नहीं खुला है बाहर, सरकारी छुट्टी है, और तुम्हारे पास ऐसी खूबसूरत बाइक है, तो तुम क्या करोगे? कौन सी बात है, राइड करेंगे, चलाएंगे, दौड़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट हॉलीडे है और तुम्हारे पास ऐसी खूबसूरत एक बाइक खड़ी है घर पे, तो तुम आपको अच्छी बात है, तुम छुट्टी में क्या करोगे? तुम उसे निकालोगे और गेड़िया मारोगे, पेट्रोल उड़ाओगे अपना, ठीक है। तो अपन भी वही करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा मजे मारने, थोड़ा एक्सीलेटर देने, वूं, वूं, थोड़ा सा एक्सीलेटर देने। ओहो, अभी भी इतना क्राउड है यहाँ पे। वैसे अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे, मतलब 11:45 हो रहे हैं, कुछ ही टाइम रह गया अभी 12 बजने में। यहाँ पे देव आ रहा है, कॉल करता हूँ, एक सेकंड मिलता हूँ, पीस आउट। तो भाई जी, देव आ चुका है आप लोगों के सामने, देव को बुलाया था मैंने, ये आ रहा मैं टकता हुआ। हैप्पी रिपब्लिक डे ब्रो, कैसा है? बढ़िया बढ़िया, हेलमेट पहन ले करो भाई। अच्छा, बात कर रहा है, चला चले। हेलो जी, तो ये है रिपब्लिक डे स्पेशल वाला व्लॉग है मेरा, ठीक है। आज है 26 तारीख, और आप जो व्लॉग देखोगे 27 में देखोगे, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं देव के साथ आया था, और दोस्त के पास आया था मैं, उसने बाइक ली है एक, तो मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। TVS के राइडर है, और रेड एंड ब्लैक में कॉम्बिनेशन में कलर है इसका, और फुल्ली LED है। बस ये जो है ये हैजार्ड बल्ब दे रखे इसमें इंडिकेटर में, अभी तक मेरे को यही पता चला है। लाइट बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही प्यारी, एलियन लुक है बिल्कुल, और TVS कंपनी की है ये, और ग्रिप वगैरह बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, अभी तक थोड़ी सी चलाई है मैंने। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर
किलोमीटर के बारे में, ये सब चीजें तुम, मैं अपने फोन से दिखाऊंगा। मैं अपना मेन कैमरा लेके नहीं आया था, और चाबी बहुत ही स्पेशल है। तो देखो मैं गलियों में ही चला रहा हूँ, गलियों में तो मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही प्यारा है, मतलब इजी है, हैंडलिंग बहुत प्यारी है, और मेरे को पता भी नहीं है कितना रिकॉर्ड हुआ ये। चलो देखते हैं एक बार, रुकते हैं। हाँ जी भाई, तो अभी तक जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पता नहीं मेरे को, पर अभी मैं राइडर पे हूँ जैसे आप लोगों को पता था। तो अभी तक चढ़ा था इसका इको मोड, अगर तुम्हें मीटर पे दिख रहा होगा, मीटर बहुत, ये मुझे नहीं पता ये बार बार कैमरा बंद क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ जी भाई, तो मेरे को पता नहीं ये बंद क्यों हो रहा है बार बार कैमरा, और अभी चेक ही कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे बंद हो रहा है बार बार, मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़। आई विश तुम्हें आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बार बार बंद होना दे। अब मैं खाऊंगा कैसे, हेलमेट लगा रखा है, रख ले, खाऊंगा थोड़ी देर में खाऊंगा। तो गाइस ये है मन्नू, और ये रिव्यू देगा इसकी बैक सीट का, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा, इको में मैं चला चुका हूँ, ठीक है। तो चलते मन्नू, आजा। तो यहाँ से इको होता है, यहाँ से स्पोर्ट्स होता है, ये पावर जहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से पावर कर दिया मैंने मोड को। और भाई फील ही नहीं होता बाइक जब स्टार्ट हो जाती है, भाई बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो अभी मेरे पीछे एक पिलियन पे बैठा है भाई, और हम सेम वेट के हैं, लगभग वेट नहीं बताऊंगा पर सेम वेट के है भाई, मान लो 90 तो मान ही लो, ठीक है, सेम वेट के। और पावर पे चल रही है बाइक, और पावर और इसमें ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, शायद मैं ज्यादा पावर की बाइक चलाता हूँ इस चक्कर में, और अभी तक मैंने ज्यादा चलाई भी नहीं है, ये थोड़ी बहुत ही चलाई है। और चलो 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 चलो, ओ भाई इसकी साउंड बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी साउंड है। तो दो जनों के तो ये नीचे लगती है भाई, तो भाई छोटी हो गई अब तो, ओके। तो भाई मन्नू बता रहे कि स्टैंड लगा है बस, और ब्रेकर हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो है अच्छी अच्छी है, हाइट के हिसाब से ठीक है। ये देखो अब नहीं लगी, अब नहीं लगी, देखा तुम लोगों ने, अब नहीं लगी है, पर ठीक है, अच्छा है। उस टाइम पे ज्यादा दब गया था शो करना, क्योंकि दो हैवी वेट बैठे, वन मतलब कितने बैठे, 90-90-180 किलो बैठा है, 200 किलो लगा दो, चलो ठीक है लास्ट 200 किलो लगा लो, 200 किलो एक बाइक पे जिसपे पावर मोड है। ओहो बहुत सेम फील हो रही है भाई, पावर शायद वेट की वजह से सेम फील हो रही है, या फिर थोड़ा सा फर्क आया होगा पर मेरे को महसूस नहीं हो रही वो चीज। ओहो अब थोड़ा खींच देंगे, मतलब पूरी स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देने की कोशिश करी है भाई बाइक में, मजाक नहीं। हैंडलिंग इतनी स्मूथ है ना इसकी, बहुत ज्यादा, हाँ और कुछ पंगा नहीं। कितने सीसी वाली है, 125 है बस। भाई पावर मोड पे तो अलग ही चल रही है, पावर मोड पे मैं पांचवा गियर नहीं लगा पा रहा, वैसे लग जाता है, इको पे पांचवा गियर लग जाता है, थोड़ी दब जाती है इको पे बाइक ना। तो चलते हुए पर अब सीधे जाएंगे, पहले थोड़ा रॉन्ग साइड आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि भैया रोड खराब थी, क्या कर सकते हो, वही तो रोड खराब है। ओहो ये देखो पावर मोड अब चेक होगा, तीसरे गियर पे 60, चौथे गियर पे देखते हैं 80, पांचवे गियर पे अभी तो खींचे जा रही है भाई 90। तो भाई पांचवे गियर पे 90 200 किलो के साथ सही है स्पीड रेस, तो 125 के हिसाब से तो बहुत ही प्यारा है। ये जो तुम्हारी मैथ है ना, ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो तुम खुद ही कर लेना किसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब बाइक भाग रही होती है ना तो एक वेट का भी रेशियो होता है, जो हमारा वेट है दो जनों का 200 किलो है, 100 किलो मेरा 100 किलो मन्नू का, तो इस हिसाब से 200 किलो हुआ प्लस बाइक का वेट प्लस उसके इंजन की पावर से कैलकुलेशन करते हुए जो स्पीड आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है, 90 पांचवे गियर पे 90 मायने रखती है भाई, वो भी 125 सीसी की बाइक के लिए। पार्टी डन, देव तो निकल गया तो मैं भी निकल रहा हूँ घर पे, घर ही जाऊंगा भाई। लस्सी कमाल थी भाई ग्रोवर की, अगर कोई भी द्वार का मोड आ रहा है ना भाई, एक बार ग्रोवर की लस्सी ट्राई करो भाई, लाजवाब, छोले भटूरे से तो अच्छी है वो। हेलो जी, तो अपन घर पे अब, और अभी तक तुम लोगों ने पूरा व्लॉग देख लिया होगा, और राइडर की क्या बाइक है यार, बहुत ही प्यारी, मतलब राइडर की नहीं टीवीएस की राइडर क्या बाइक है वो, मतलब चार्जिंग स्लॉट, सेंसर, साइड स्टैंड सेंसर, जब स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और स्पीडोमीटर बहुत ही प्यारा लगा मेरे को उस बाइक का, कसम से। तो नदीम भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, और बहुत ही बेहतरीन बाइक है आपकी कसम से, मतलब मैं तारीफ कैसे करूँ 125 सीसी में वो बाइक इतने सारे फीचर्स के साथ, और जो उसका स्पीडोमीटर है मतलब कातिल है वो। तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना, बाय बाय। और
पता नहीं किस वे में एंड कर रहा हूँ आजकल मैं ब्लॉग।